सर बिपिन रावत जी ने कहा है कि चीन की जो सेना है अप्रैल में जहां थी वही वापस लौट जाए, और इसके पहले जो मोदी जी का बयान आया था कि ना कोई हमारे सीमा के अंदर आया है ना कोई बाहर गया है, तो इसमें ये जो कॉन्ट्राडिक्शनरी आप देख रहे हैं ये सारी घटना की तरफ, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कल सीडीएस चीफ बिपिन रावत जी ने जो कहा है कि भाई ये जो डेप्सांग है और पैंगोंग त्सो का जो एरिया है लद्दाख का, वहाँ पर जो है अभी डीएस्केलेशन की जो प्रोसेस जो चल रही थी, जो मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग चल रहा था, ये जो डिप्लोमेसिस्ट के लेवल पे डायलॉग्स चल रहे थे, उसमें चीन ने कहा कि अब इससे आगे हम नहीं पीछे हटेंगे। और इंडिया का ये मानना है कि भाई अप्रैल के पहले की जो पोजीशन थी वहाँ तक हटने की ज़रूरत है। अब ये हम जानते हैं कि अक्सर चीन का स्ट्रेटेजी रहा है कि वो चार कदम आगे आता है और फिर डीएस्केलेशन में एक कदम पीछे जाता है, तो भी वो तीन कदम आगे होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कल जो सीडीएस चीफ बिपिन रावत जी ने कहा कि भाई ये जो है वो आपको पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो मिलिट्री ऑप्शन को पर भी हम विचार कर सकते हैं, ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि चाइना की जो फोर्सेस है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। और इसलिए जो है सीडीएस चीफ कह रहे हैं कि भाई आपको अप्रैल में जहाँ थे वहां पर जाना है, और यहाँ पर जो है एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, हास्यास्पद कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये मालूम ही नहीं था कि भाई चाइना की जो फोर्सेस है वो इंडिया की भूमि पे, और इसलिए वो कह रहे थे कि 1 इंच भी कोई अंदर नहीं आया और कोई अतिक्रमण नहीं हुआ और कोई कब्जा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रूव कर रहा है, आज जो बीपीएन रावत जी ने कहा कल जो है वो अपने आप में प्रूव कर रहा है कि भाई वो हमारे भूमि में, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई हम मिलिट्री ऑप्शन पर विचार करेंगे यदि जो है आप नहीं जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्ट्रेडिक्ट होता है, और ये बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने देश के साथ में शायद झूठ बोला है। और क्योंकि मिलिट्री पोजिशन एग्जैक्ट तो हम कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि बॉर्डर पर एक सिक्रेसी भी होती है और सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री है उसको प्राथमिकता भी होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को हम मानते हैं। तो मेजरमेंट लेके तो कोई नहीं बता पाएगा कि कितने किलोमीटर में कहाँ अंदर है, लेकिन जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उसके लिहाज से सबको ये बात समझ रही थी कि चाइना की ट्रूप्स ऑलरेडी हमारे कंट्री के अंदर है। और कल फिर सीडीएस चीफ ने जो कहा है कि भाई हम मिलिट्री ऑप्शन को भी सोच सकते हैं, तो अभी 56 इंच की सरकार की जो है वो स्ट्रेंथ है की परीक्षा है कि क्या 56 इंच की सरकार, जैसे उरी के बाद में जो बालाकोट में जो है सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके आधार पे कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया, उस तरह का कोई काम अभी 56 इंच की सरकार कर पाएगी क्या चीन के खिलाफ? और भारत की भूमि को जो कब्जा चीन ने किया है लद्दाख के एरिया में उससे जो है वो मुक्त करा पाएगी क्या? ये एक बहुत बड़ी परीक्षा जो है वो 56 इंच की सरकार की है, और ऐसी परीक्षा केवल लद्दाख में ही नहीं है, ऐसी परीक्षा जो है वो पीओके में भी जो है पाकिस्तान के साथ में भी 56 इंच की सरकार की है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का भी बॉर्डर बॉर्डर का है वहां पर भी ये परीक्षा जो है वो मोदी सरकार की है। तो ये सरकार क्या लद्दाख को चाइना के कब्जे से जो है वो दूर कर पाएगी, क्या छुड़ा पाएगी, क्या अक्साई चीन को वापस ले पाएगी, क्या पीओके को वापस ले पाएगी, ये देखने वाली बात है, या केवल दाऊद इब्राहिम को टारगेट करके फिर बताया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया। वो लीगल एक्शन हो ना हो ये वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होना चाहिए, उसका जो है वो अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे मोटे क्लेम बीजेपी की सरकार करते रहेगी, या चाइना जो एक महाशक्ति बनते जा रहा है उसने जो हमारी भारत भूमि पर जो है वो कब्जा किया है उससे जो है वो मुक्त करा पाएगी, यही जो है वो एक टेस्ट होगा, यही लिटमस टेस्ट होगा मोदी सरकार का कि सही में क्या वो शूरवीर सरकार थी, क्या सही में वो अपने देश के लिए मर मिटने वाली सरकार थी, या केवल वो घोषणा करने वाली और जुमलेबाजी सरकार थी। ये अब जो है वो प्रमाणित होने का समय आ गया है, और यदि ऐसा कोई स्टैंड लेते हैं हमारे देश की भूमि को जो है वो मुक्त कराने का, तो मैं समझता हूँ कि वो स्वागतार्ह होगा।